जिन चार लोगों के साथ में बैठकर अगर आप दूसरों की बुराई करते हो ना दोस्तों, तो यकीन मानिए कि आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। इसलिए दूसरों की बुराई करना छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम एरीज साइन मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, मेष राशि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। ये थंबनेल है और इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि क्योंकि अभी कुछ समय पहले दोस्तों जो देवताओं के गुरु हैं ना बृहस्पति, उनका राशि परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी कुछ समय बाद शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं जून में, और नवंबर तक वक्री रहेंगे। राहु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वहीं आपके जो केतु हैं वो आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत कुछ क्या बड़ा होने वाला है, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण रखता है हम सभी के लिए, ठीक है। तो उनकी दृष्टि के बारे में जानेंगे, बाकी अदर प्लैनेट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जीवन में क्या क्या हो सकता है, क्या बड़ा हो सकता है, कहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मेष राशि आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। अब आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। दोस्तों, आपकी राशि है मेष राशि, ठीक है। नंबर वन राशि होती है मेष राशि, ठीक है। आपकी राशि से राहु अभी आपके 12th हाउस में है, शनि 11th में है, गुरु 2nd हाउस में आ चुके हैं। आपकी राशि से निकलकर 1st हाउस से निकलकर 2nd में आ चुके हैं। आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना होगा, गुरु जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, कहाँ के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, राइट। अब भाग्य के स्वामी होकर गुरु आपके कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, 2nd हाउस में, और दृष्टि डाल रहे हैं सीधे 10th हाउस में, यानी कि भाग्य का जो कनेक्शन है वो 10th हाउस से बन रहे हैं यहाँ पे अब, और ये पूरे 1 साल तक है, पूरे 1 साल तक है, ये अप्रैल 2025 तक रहेगा ये गुरु का जो ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में। अब दोस्तों, समझने वाली बात यहां पे ये ठहरी है कि जब गुरु आपके 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं भाग्येश होकर और 12th लॉर्ड होकर, यानी कि ये काम में परिवर्तन लाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण प्रयास कर रहे हैं यहां पे गुरु। और गुरु ज्ञान है, सबसे पहले गुरु क्या है वो समझिए, गुरु ज्ञान है, गुरु मैच्योरिटी है, और गुरु बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, यानी कि शुभ दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है भाई, तो ये बहुत अच्छा है। करियर को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर बहुत अच्छा है। अगर आप मैनेजर हैं, टीम हैंडल करते हैं, टीम लीडिंग करते हैं, कोई टीम संभालते हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा रहेगा। गुरु हमारा एक कम्युनिकेशन है, हम बोल रहे हैं, ये तो बुध है, हमारी वाणी तो बुध है, लेकिन हम बोल कितना अच्छा रहे हैं, हमारी जो वाणी में अट्रैक्शन कितना अच्छा है, ज्ञान कितना अच्छा है, मैच्योरिटी कितनी अच्छी है, लोग हमसे कितना प्रभावित हो रहे हैं, ये गुरु है, ठीक है। और वाणी हमारी कैसी होगी, मिठास होगा वाणी में, हमारी वाणी बहुत हार्ड होगी, बहुत कोमल होगी, ये बुध है, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा आता है वाणी में, ये बुध है। तो फिलहाल आपके गुरु 2nd हाउस में बैठे हैं, वाणी स्थान में गुरु बैठे हैं आपके, ठीक है। ये मैच्योरिटी लेकर आएंगे, ज्ञान लेकर आएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन फील्ड में भी अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। काउंसलिंग सेक्टर में है ये गुरु, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पहले गुरु की दृष्टि नहीं थी 10th हाउस में, अब पड़ रही है, ठीक है। अब एक बात लेकिन कुछ ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि गुरु आपके 6th घर को और आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 त्रिक भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब कि 2 त्रिक भाव में जब गुरु देख रहे हैं और भाग्येश होकर देख रहे हैं, 6th घर और 8th घर में गुरु का देखना, आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है, बिल्कुल रखना होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 त्रिक भाव एक्टिव हो रहे हैं गुरु से यहाँ पे, 6th हाउस भी और 8th हाउस भी, तो जरूर यहाँ पे हेल्थ का ध्यान रखना है, खासकर खाने पीने पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु हमारा फैट बढ़ाता है, गुरु चर्बी का कारक ग्रह माने जाते हैं, और लीवर डाइजेशन, इन सभी चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हेल्थ का ध्यान तो रखकर चलना होगा। लेकिन हाँ, गुरु 8th हाउस में देख रहे हैं तो ये ऑकल्ट नॉलेज को बढ़ाते हैं, डीप नॉलेज बढ़ाते हैं, ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। 6th हाउस को देख रहे हैं तो कॉम्पिटिशन में अगर आप कोई पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर अच्छा रहेगा, स्पोर्ट्स लाइन में अच्छा रहेगा, ओके। ट्रैवलिंग पर्पस को लेकर ये काफी अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं कुछ राहु की बात कर लेता हूं। आपकी राशि से एक साइड गुरु है, एक साइड राहु है, बड़ा चतुर चलाक बनाएंगे आपको। अब राहु 12th हाउस में जब भी ट्रांजिट करते हैं, 12th हाउस होता है फॉरेन का, और राहु एक फॉरेन के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, राहु और शनि, तो राहु का 12th हाउस में बैठना फॉरेन कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशी गतिविधियां हो सकती हैं,
ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है मुझे। अब ट्वेल्थ हाउस में राहु है, फॉरेन से कोई इनकम आपकी हो सकती है, फॉरेन ट्रेवल्स हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल हो सकते हैं, लेकिन ये राहु बदनामी के कभी कभी योग भी बना देते हैं सडन। ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि किसी के भी चक्कर में ऐसा ना हो कि लोग आपको डिफेम करने की कोशिश करें। शनि जो है आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, फिलहाल शनि आपके यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, वक्री हो जाएंगे जून में। जब वक्री होंगे शनि तो आपको 10th हाउस का भी रिजल्ट देंगे, 10th हाउस का रिजल्ट देंगे काफ़ी अच्छा, यानी कि जून से लगाकर नवंबर के बीच में, मिड जून से लगाकर 10 नवंबर के बीच में नौकरी लगने की संभावना बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। और शनि 11th हाउस में अच्छे हैं क्योंकि अपने राशि में विराजमान हैं, ये आपके डिज़ायर्स को पूरा करेंगे मार्च 2025 से पहले पहले, आपके डिज़ायर्स को पूरा करेंगे। जो चीज़ आप लेना चाहते हैं खासकर लोहे से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई चीज़ आप जरूर अपनी लाइफ में ले सकते हैं, या फिर आपने लिया होगा जनवरी 2023 के बाद, जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2025 के बीच में दिखाई दे रहा है कि आप ऐसी कोई चीज़ें ले सकते हैं अपने अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा बदलाव होने वाला है। बाकी यहाँ शनि आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, शनि फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी थोड़ी रहेगी, इस पर कंट्रोल कीजिएगा, और छोटी छोटी बातों पर जिद, स्टबर नेचर ये थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये बताया दोस्तों सब कुछ कि क्या बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, क्या उपाय करने चाहिए आपको। रोजाना आपको मंगल का बीज मंत्र फॉलो करना चाहिए, ठीक है, मंगल का बीज मंत्र करो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य को अर्घ दीजिए तांबे के लोटे से, काफ़ी अच्छा रहेगा। और मंगल का बीज मंत्र करो आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सब हुमाय नमः 108 बार, ठीक है, और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर फॉलो करो। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।